हम सभी भाई अध्यापक भर्ती लेवल वन के यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड आए हुए हैं। हम अपनी नई नियुक्ति को लेकर बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम काफ़ी दिनों से निदेशालय के चक्कर काट रहे थे, आचार संहिता की वजह थे, लेकिन अब आचार संहिता हट गई है और कल हम वहाँ पे पहुँचे थे निदेशालय। उन्होंने हमें बोला है कि हमारे लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक आदेश दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है जो कि यथास्थिति का आदेश है, जिसके अंतर्गत हम लोग नहीं आते हैं और हमारी नियुक्तियों को हमें गुमराह करके रोका जा रहा है, जिसका हम परिणाम भुगत रहे हैं। हम मानसिक रूप से बहुत विकृत स्थिति में हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतने परेशान होकर आज यहाँ आए हुए हैं। हमारी मांग है कि हमें यहाँ से कैसे भी करके हमारी नियुक्ति दो, जो यथास्थिति की जो अफवाहें चल रही हैं उसे हटा के हमें हमारी नियुक्ति दो, ये हमारा निवेदन है। हमारा जिला आवंटन हो चुका है, हमें हमारे स्कूल जाने के केवल काले ग्रहण करना है। हमारी नियुक्ति ऑर्डर निकल भी चुके हैं, केवल इतना है कि निदेशालय से हमें हमारे ऑर्डर निकलवाने, उनके लिए हम सभी लोग भाई आए हुए हैं। कल हम बीकानेर निदेशालय गए थे तो वहाँ पे पता चला कि आधे से ज़्यादा 90% बच्चों की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और कुछ बच्चे ही बचे जिनकी अभी नियुक्तियाँ नहीं हुई है। उन्होंने हमें किसी ऑर्डर का हवाला देकर वहाँ से भगा दिया है और हम चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो, जबकि हमारा विद्यालय आवंटन भी हो चुका है। हम बहुत परेशान हैं मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कोई हमें नहीं समझ। साथियों, आज राजस्थान के युवा बेरोजगार साथी रीठ अध्यापक भर्ती L1 के यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं और आपने देखा है राजस्थान विधानसभा के चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, लेकिन जो रीठ की भर्ती थी जो पिछली सरकार से चल रही थी उस भर्ती में बहुत सारे बेरोजगार साथी ऐसे हैं, आप देख रहे हो हजारों की तादाद में आज कर्मचारी चयन बोर्ड में ये बेरोजगार युवा खड़ा है। आज इतना लंबा समय हो गया, बहुत सारे छात्रों को रीट L1 में जॉइनिंग भी मिल चुकी है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे युवा साथी मेरे ऐसे हैं जो आज भी जॉइनिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखिए कि इन युवाओं का जो ये खड़े हैं यहाँ पे, जो राजस्थान के कोने कोने से पहुंचे हैं, इनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो चुका है, डीओ लेवल पे आदेश भी हो चुका है, सारे काम हो जाने के बावजूद भी इन युवा साथियों को जॉइनिंग देने का काम ये जो सिस्टम है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये जो बीकानेर निदेशालय है, ये नहीं कर रहे हैं। आखिरकार में इन युवाओं का गुनाह क्या है? इनकी जॉइनिंग लेट हुई तो इस सिस्टम की वजह से हुई, कर्मचारी चयन बोर्ड की वजह से हुई, राजस्थान कांग्रेस सरकार की वजह से हुई और आज भी इनको जॉइनिंग नहीं मिली है। साथियों, जब ये युवा कल बीकानेर गए थे तो वहाँ बीकानेर में इनसे कहा गया था कि हम तो चाहते हैं कि आपको हम जॉइनिंग दे, लेकिन ये कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं चाह रहा आपको जॉइनिंग मिले। आप एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड से मिल लो, हमें फोन करा दो, हमारी बात करा दो, हम आपके जॉइनिंग आदेश जारी करा देंगे। यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों से मैं कल भी मिला और अब भी हम मिलेंगे, लेकिन उनका कहना है कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। जब मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, जब इन विद्यार्थियों का, इन युवाओं का कोई मामला ऐसा है ही नहीं जिसके चलते इनकी जॉइनिंग रोकी जा रही हो, कोई भी ऐसा आदेश, कोई भी ऐसी चीज इनके खिलाफ नहीं है। जब बीकानेर वाले कह रहे कर्मचारी चयन बोर्ड वाले करेंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड वाले कह रहे कि बीकानेर वाले करेंगे, तो हम पूछना चाहते हैं इन दोनों से कि आपस में आपका ये क्या रिश्ता है, कौन सा गठबंधन है बेरोजगारों को पीसने का? ये तो आप उनके ऊपर डाल देते हो, वो उनके ऊपर डाल देते हैं, आखिरकार में ये खेल कब तक चलता रहेगा? क्यों इनको जॉइनिंग नहीं दे रहे हो आप? तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपने देख लिया राजस्थान में चुनाव भी हो लिए, कितने सारे नेता जो चुनाव में युवा युवा कह के जिन्होंने वोट भी मांगे, सरकार भी बन गई, जब आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है तो इनके साथ में कोई खड़ा नहीं है। कितनी शर्म की बात है उन नेताओं के लिए। हमने लगातार
पिछले 5 साल भी संघर्ष किया, आज भी युवाओं की एक आवाज में युवाओं के लिए खड़े हैं। और जो ये सिस्टम है जिसके चलते ये बेरोजगार शिकार हुए हैं, मैं इस सिस्टम से भी कहना चाहता हूँ, मैं इस बीकानेर निर्देशालय बोर्ड से भी कहना चाहता हूँ, इन युवाओं की ताकत है, इन्होंने सरकार को उखाड़ फेंका, तो आप इनके आगे क्या हो, क्यों इनको परेशान कर रहे हो, क्यों इनको जोनी नहीं दे रहे, जब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब ये युवा बिल्कुल इनके सारी चीजें सही है, सारे आदेश हो गए, तो जोनिंग में आखिरकार दिक्कत क्या है। आज तमाम युवा साथी यहाँ पहुंचे हैं, बात करेंगे अधिकारियों से, अगर इनके पक्ष में इनके नियुक्ति आदेश ये कर्मचारी चयन बोर्ड और बीकानेर निर्देशालय जारी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं इन युवाओं को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि युवाओं के साथ में ऐसी बदसलूकी नहीं हो, युवाओं को परेशान ना किया जाए और युवाओं को ज्वाइनिंग दी जाए, और नहीं तो ये युवा है और युवा चाले तो सब कुछ संभव है। और मैं आप तमाम साथियों से भी कहना चाहता हूँ, जो मेरे मीडिया के साथी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप युवाओं की आवाज़ उठाने का भी कार्य करिए, युवाओं की तरफ भी आप देखिए एक बार, आप सारी चीज़ें देख रहे हो लेकिन युवाओं के मुद्दे आपको नहीं दिख रहे, युवाओं की परेशानी आपको नहीं दिख रही, आप युवाओं के साथ भी खड़े होइए और युवाओं की आवाज़ उठाने का कार्य करिए। जब तक इन युवा साथियों का काम नहीं हो जाता, मैं इनके साथ में खड़ा हूँ और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो ये परेशान है युवा, इनको ज्वाइनिंग मिले, क्योंकि बहुत लंबे समय इन्होंने तैयारी करते हुए निकाल दिए, 5-5 साल हो जाती है, कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाती, 5 साल का समय इन्होंने तैयारी में निकाल दिया, और आखिरकार कितना इंतजार करेंगे ये युवा, कब तक ये इसी प्रकार से घूमते रहेंगे। तो जब तक इन युवाओं की सुनवाई नहीं होती, अभी हम कर्मचारी चयन बोर्ड में हैं और मजबूती से संघर्ष करेंगे और युवाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद।